नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आईबीन 24 न्यूज़। और इसे हम खड़े करनाल के सिविल लाइन थाने में, और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आरोपियों को जो है पकड़ा गया है। 6 आरोपी जो हैं, जो यहाँ पर आपको बता दें कि जो मामला इसके अंदर बताया जा रहा है, जिसमें 40,000 की लूट होती है लगभग 31 दिसंबर के आसपास, और यहाँ पर सोने की चेन की लूट होती है, उसको लेकर 6 आरोपियों को जो है पकड़ा गया है। और फिलहाल जो है यहाँ पर आपको बता दें, सिविल लाइन थाने से आपको जो है ये लाइव तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं इस समय, और यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, और उनसे जो है पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। और यहाँ देख सकते हैं कि तस्वीरों में सुमो गाड़ी के अंदर जो है पुलिस की जो 6 आरोपी हैं इस समय बैठे हुए हैं, और यहाँ पर फिलहाल जो है अभी पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो ये 6 आरोपी हैं, क्या इनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है, या किस तरीके से इन्होंने जो ये यहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर जो आरोपी हैं वो इसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक यहाँ पर आपको जो है देसी कट्टा जैसा कुछ आपको ये तस्वीरों के अंदर हमें लग रहा है। और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि इस समय हम सिविल लाइन थाने में मौजूद हैं, और पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके पास किस किस तरह का हथियार था, और पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। SSP साहब के दिशा निर्देश में कल CIA2 की टीम ने एक मारपीट करके कैश छीनने के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन्होंने 31 तारीख को एक महेंद्र नाम का व्यक्ति था, जो PNB बैंक इंद्री से 40,000 रुपये लेकर और अपने गांव की तरफ जा रहा था, और पीछे से 6 व्यक्तियों ने उसे सिर में चोट मार के और 40,000 रुपये उसे छीन लिए थे। जो कल CIA2 की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बाबू नाम का व्यक्ति को असला समेत कालीजंगी उनके गाँव के वहाँ से मोड़ से गिरफ्तार किया, और जब उसने अपने डिस्क्लोजर में बताया कि उसने 31 तारीख को अपने 5 साथियों के साथ मिलकर एक वारदात को अंजाम दिया, जिसमें उसने एक व्यक्ति को चोट मारकर 40,000 रुपये छीने थे। जो आरोपी हैं वो कहाँ से, इसके बारे में कुछ जानकारी? जो आरोपी हैं सभी काली जागीर गाँव के हैं, 6 के 6 आरोपी, जो इंद्री के पास ही गाँव है। और जो शिकायतकर्ता वो कहाँ का है? शिकायतकर्ता का भी इंद्री के पास एक गाँव है, बिल्कुल नज़दीक के गाँव का रहने वाला है। तो बैक पिछला रिकॉर्ड क्या है जी इन सबका? नहीं, पिछला रिकॉर्ड है जो इनके ऊपर मारपीट का एक मामले जो दर्ज है, लेकिन स्नैचिंग वगैरह का कोई मामला नहीं है। तो जो व्यक्ति है वो कहाँ से कहाँ जा रहा था, कैसे ये पूरी वारदात? ऐसे वो व्यक्ति PNB बैंक से के अपने खाते से 40,000 रुपये निकाल कर अपने गांव जा रहा था, जो इन्होंने परिप्लानिंग 2-3 दिन से एक प्लानिंग में थे कैश छीनने की। तो ये पहले ही बैंक में बैठे थे, और बैंक में इन्होंने पूरी रैकी की भी कौन व्यक्ति पैसे लेके निकल रहा है। जब भी उसने वो पैसे लेके निकला, तो बैंक में 3 व्यक्ति जो उनके गैंग के मौजूद थे, उन 3 व्यक्तियों ने उनको देख लिया कि वो पैसे निकाल के चल दिया, और उसके पीछे फिर इन्होंने उसका पीछा किया। वो इंद्री बाज़ार में भी उसने शॉपिंग की, और इंद्री बाज़ार से होते जो अपने गाँव की तरफ जाने लगा, तो उन्होंने सुनसान एरिया देख कर उसके ऊपर हमला बोल दिया, और हमले बोल कर उन्होंने जो 40,000 रुपये थे उसके छीन लिए। पकड़े नाम क्या क्या है? जो पकड़े हैं इनका नाम है रवि, रजत, बाबू, चंद्रप्रकाश, रोहित और नोरती। कहाँ के रहने वाले? ये सभी करली जागीर गांव के। तो क्या बरामद किया जी इनसे? इनसे एक नजायज पिस्टल और एक जिंदा राउंड है, जो बाबू राम से हमने बरामद किया। क्या कार्रवाई की जा रही है? अब इनको पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। वारदात में प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल और जिन्होंने पैसे छीने उसको बरामद किया जाएगा। और यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बता दें सिविल लाइन थाने के अंदर जो है इस समय मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन ने आपको बता दें एक जो मामला है सुलझा लिया है। लेकिन पहले जिस तरीके से ज्ञात हो रहा था कि इसमें कुछ चेन स्नैचिंग भी हुई है, लेकिन चेन स्नैचिंग जैसी कोई वारदात नहीं हुई। इसमें 40,000 रुपये जो है एक मोटरसाइकिल सवार से इंद्री लाडवा रोड के ऊपर जो है वो जा रहा था, और उससे जो है चेन आपको बता दें उससे जो आपको बता दें कि 40,000 रुपये जो है लूट लिए जाते हैं उसके सिर पर जो है वार करने के बाद। और इसमें 6 आरोपी, कुल जो 6 आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, जिसके अंदर लगभग एक जो आरोपी है उसे पहले पकड़ा गया, और उसके बाद में जो है पूछताछ करने के बाद बाकी आरोपियों को पकड़ा गया है। लेकिन फिलहाल जो है आगे और पूछताछ जो है इसमें जारी रहेगी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मारपीट के मामलों के अंदर जो है सभी पहले से जो है कहीं ना कहीं जो है आरोपी रह चुके हैं, कई लोगों से मारपीट भी कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल आगे की जो पूरी जो तफ्तीश है वो पुलिस जो है वो जारी रखेगी, लेकिन यहाँ पर एक मामला जो है सुलझा लिया। और इसके साथ साथ ये बता दें कि जो लूट की जो वारदातें हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ती जा रही हैं। लोगों से कहेंगे ध्यान रखें, जब भी घर से निकलते हैं ध्यान निकलते समय
पूरी सुरक्षा एहतियात के साथ जो है घर से निकलें और अंधेरे के अंदर रात को जो है कोशिश करें कि अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर जब जा रहे हैं तो पैसा या भारी ऐसी कोई महंगी चीज़ जो है अपने साथ लेकर ना जाएं, क्योंकि इस तरह के जो आरोपी होते हैं, इस तरह के जो गुंडे लोग होते हैं, वो धाक में रहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें मिले और वो उस पर वार कर किसी तरीके से जो है उससे रकम जो है लूट लें। तो फिलहाल जो है IBN 24 पर आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।